नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज मैं झारखंड के वाद्य यंत्र, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड के वाद्य यंत्र कौन कौन से है, टाइप क्या, उसका टाइप पूछा जाता है वाद्य यंत्र। जैसे दे दिया जाए बांसुरी, तो बांसुरी किस तरह का वाद्य यंत्र होगा वो आपको सेग्रीगेट करना है, पता लगाना है। तो सबसे पहले सिंपल सा कोई भी म्यूजिक बजाते हैं तो सिंपल म्यूजिक निकलने का तीन ही तरीका होता है। एक होता है मुंह से हवा फेंक के, एक होता है तार बजा के, एक होता है दब 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 मार के। तो उसी तरह से तीन टाइप का कोई भी दुनिया का वाद्य यंत्र तीन तरह का होता है। एक सुशीर वाद्य, सुशीर जिसमें मतलब फूक के, जैसे बांसुरी हम लोग फूक के बजाते हैं ना, तो सुशीर वाद्य वो फूक के बजाने वाला जितना भी वाद्य है तो वो सुशीर वाद्य है। देखो विंड इंस्ट्रूमेंट इसका इंग्लिश में नाम ही है विंड इंस्ट्रूमेंट, क्यों, क्योंकि हवा के थ्रू बजता है, हवा फूक के बजता है। तो आपको कोई भी दे दिया है बांसुरी किस तरह का होगा, उसमें तो हवा डाल के हम लोग फूक के ही करते हैं, तो वो विंड इंस्ट्रूमेंट होगा। दूसरा है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग का इंग्लिश में मीनिंग होता है खींचा हुआ तार। तो ये खींचे हुए तार को बजा के, जैसे वायलिन में हम लोग तार बजाते हैं ना, खींचा हुआ तार, तो उसको कहा जाता है तत्वाद्य या तंतु। तंतु मतलब ही तार होता है हिंदी में, तंतु मतलब तार, वायर, वायर को हिंदी में बोलेंगे तार, तंत्री, ये तीनों एक ही मीनिंग है, सबका मतलब होता है तार से के वजह से। जैसे बैंजो बजाते हो आप, क्या होगा वो तत्वाद्य होगा, और ठोक के परकुशन से बन ढप 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 करके ढोल बजाते हैं तो वो तालवाद्य है। तो अभी देखिए आपको मैं कितने ये निकाल, ये होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए शंख, शंख को हम लोग फूक के बजाते हैं, फूक के बजाते हैं ना, तो शंख कौन सा वाद्य होगा, सुशीर वाद्य होगा, बांसुरी सुशीर वाद्य होगा, फूक के बजाते हैं, और क्या मदन भैरी एक लंबा सा लकड़ी का रहता है और आगे पीतल का ये लगा हुआ रहता है, शादी विवाह में मदन भेरी बजाया जाता है। तो ये सब क्या हो गया विंड इंस्ट्रूमेंट, और विंड इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा, चलिए ये है मदन भेरी, सहनाई, शादी में आपने सहनाई देखा होगा, उसमें फूक के हम लोग बजाते हैं, और एक सिंगा होता है सिंगा, चलिए सिंगा के बारे में पूछा जाता है, ये झारखंड का वाद्य है सिंगा। इसका नाम सिंगा क्यों है, ये होता है जो जानवरों का, जो गाय भैंस का जो सिंग होता है ना, हॉर्न को उसके हॉर्न से बनता है, ऐसे सिंग होता है उसका, इस तरह का सिंग होता है। तो यहाँ पे छेद करके, इस नुकीले पोषण में छेद करके, यहाँ पे छेद करके फूंक मारा जाता है, तो ये इससे आवाज निकलती है, और इसको, इस आवाज को धुन में भी बदल सकते हैं हम लोग। तो ये सिंगा पूछेगा कि सिंगा कैसे बनता है, तो ये जानवरों के हॉर्न से बनाते हैं, इसको जानवरों को भगाने के लिए शिकार के समय इसका यूज होता है, और आदिवासी लोग इसको म्यूजिक के रूप में भी यूज करते हैं। तो आपका एकदम सीधे से कौन ये आ जाए, इसमें से जितना भी चीजें हैं झारखंड का वाद्य यंत्र है, और ये किस तरह का है, सुशीर वाद्य, सबको फूंक के हम लोग म्यूजिक निकालते हैं, शंख भी फूंकते हैं, बांसुरी भी हम लोग फूंकते हैं, मदन भैरी भी फूंकते हैं, शहनाई भी फूंक के बजाते हैं, सिंगा भी फूंक के बजाते हैं, इसीलिए ये सब सुशीर वाद्य है, सुशीर मतलब फूंकना, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आपको कभी आसानी नहीं होगा सेग्रीगेट करने के लिए। अब तंत्रित वाद्य या तंतु वाद्य या तत्वाद्य, ये वाला हम लोग कैसे बताएं, तार को, तार से म्यूजिक निकालते हैं। तो झारखंड में इस तरह का क्या होता है, तो एक तारा आप देखे, एक तारा क्यों, एक तारा उसमें एक ही तार होने की वजह से एक तारा होता है। लोगों को देखिएगा भीख मांगते हुए या कहीं भजन कीर्तन करते समय एक तारा बजा के भीख मांगते हैं, ठीक है, वो एक तारा हो गया। उसके बाद होगा भुवांग, ठीक है, केंद्री और टुईला, ये चार आपको याद रखना पड़ेगा जो झारखंड का वाद्य यंत्र है, और चारों तत्वाद्य है, ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, और सब में तार लगाया जाता है, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है,
देखिए केंद्री, ये केंद्री को क्या कहा जाता है, झारखंडी वायलिन, झारखंडी वायलिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंडी वायलिन झारखंड के किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। दूसरी बात, संथाल जातियों का सबसे अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये भुआंग होता है, भुआंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संथाल जाति कौन सा वाद्य यंत्र का ज्यादा, ये भी केंद्रीय भी संथाल ट्राइब्स का है, ठीक है, संथाल ट्राइब्स दोनों है, केंद्रीय और भुआंग दोनों संथाल ट्राइब्स यूज करते हैं, लेकिन पूछे कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, भुआंग है। ये दोनों में तार से ही बजाते हैं, वो स्ट्रिंग वायर होते हैं, उसी से बजाया जाता है। भुआंग में जो, भुआंग में एक तार होता है, तार को खींचा जाता है जोर से, और उससे जैसे ही छोड़ा जाता है तो एक टंकार की आवाज आती है बहुत बड़ा। और केंद्री में क्या होता है, केंद्री इस तरह का होता है, निचला पोर्शन इसका कछुए के खाल होता है या नारियल के खाल होते हैं, ठीक है, इस तरह करके, और इधर से वायर और इधर से वायर ले जाते हैं, बीच में एक लकड़ी का कुछ सेट करते हैं और इसी में बजाते रहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंडी वायलिन किसे कहते हैं, केंद्री को कहते हैं, और भुआंग सबसे ज्यादा संथालों द्वारा यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। प्लस ये टुइला, टुइला जो है इंस्ट्रूमेंट बहुत ही हार्ड है बजाने के लिए। इस टुइला इंस्ट्रूमेंट को लगभग समझ लीजिए कि क्वेश्चन भी नहीं आएगा, और इसको बजाना बहुत हार्ड है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई आप लोगों के। आगे हम पढ़ते हैं ताल वाद्य, परकुशन वाद्य। ताल वाद्य में देखिए हम लोग क्या बोले, ठोक पीट के बजाते हैं। तो ताल वाद्य ठोक पीट के दो तरह के चीज होते हैं, देखिए, एक अनवद्य वाद्य और घन वाद्य। अनवद्य वाद्य, अनवद्य वाद्य में हम लोग क्या करते हैं, चमड़ी को ठोकते हैं, चमड़ी को ठोक को डक डक मारते हैं, चमड़े को पीटते हैं, यही है। और घन वाद्य में क्या है, घन वाद्य में हम लोग किसी धातु मेटल को पीटते हैं, मेटल को, ठीक है, स्पेशली कांसा, घन वाद्य में स्पेशली कांसा धातु का यूज होता है, ठीक है। जैसे अनवद्य वाद्य में मैं आपका एग्जांपल ले लीजिए, मादल, मादल जानते होंगे, ये मादल जो है ये बकरे के चमड़े से बजाते हैं हम लोग, इस तरह के पोजीशन में होता है, एक साइड चौड़ा एक साइड पतला, इस तरह का होता है, यहाँ यहाँ भी हाथ से पीटते हैं, इधर से भी हाथ से पीटते हैं, ठीक है। मादल, मादल का दायां साइड छोटा होता है, ये दायां साइड छोटा और बायां साइड बड़ा होता है, ठीक है। मादल को मादल या मादर भी कहते हैं, इसे मादर, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइए। और मादर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे पुराना वाद्य यंत्र, सबसे पुराना वाद्य यंत्र, ठीक है, इसमें भजन कीर्तन के समय, यात्रा के समय इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। आगे और क्या क्या आ जाएगा इसमें, ढाक, ढाक, ढोल, ये सब, ढाक, ये सब तो पता है ना, ढाक छोटा सा होता है, डप 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 मारते हैं, डप, डपली, ढफली, ढफली वाले, ढफली बजा, इसमें कैसे पता चला, इसमें चमड़ा यूज होता है, चमड़ा जहां यूज होगा वहां अनवद्य वाद्य, आप अनवद्य वाद्य लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद नगाड़ा, सुने, नगाड़ा, नगाड़ा बजा, सिनेमा में देखे होंगे नगाड़ा कितना बड़ा होता है, और नगाड़ा टाइप का ही, नगाड़ा से भी बड़ा जो होता है उसको धमसा बोला जाता है, धमसा, ठीक है। तो देखिए अनवद्य वाद्य में क्या क्या आ गया, जिसमें हम चमड़ा चमड़ा को पीटते हैं, नगाड़ा, ठीक है, ढाक, नगाड़ा बहुत बड़ा होता है, उसको ऐसे करके पीटते हैं, हमारे इतने दूर तक होते हैं नगाड़ा, और धमसा उससे भी बड़ा होता है, तो नगाड़ा और धमसा उसी तरह का होता है। ढाक एक छोटा सा होता है, ढाक ढप्प 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 मारते हैं, वो है ढाप, ढाक, ढफली तो जानते हो, ढोल तो जानते हो, तो ये सब क्या हो गया, अनवद्य वाद्य, एकदम क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आता है घन वाद्य, ठीक है,
घनवाद्य घनवाद्य में हम लोग क्या करेंगे, किसी कासे को पीटेंगे, कासे को मतलब मेटल को पीटेंगे, करताल, करताल को देखते हैं ना हम लोग ठोकते हैं हाथ में लेके, तो ये घनवाद्य हो गया, करताल हो गया दोस्तों। करताल के बाद झांझ, ये झांझ होता है, झांझ क्या होता है, करताल छोटा छोटा होता है, झांझ बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। एक है थाला, ठीक है, थाली के आकार के इसके स्ट्रक्चर होते हैं, दो कांसे के बहुत सारे और ऐसे ऐसे बजाया जाता है, वो थाला हो गया, तो ये सब। और चौथा एक बज गया काठी, तो ये काठी, काठी भी इसी तरह का होता है, वो मेटल कांसे के मेटल को ये बजाया जाता है। तो आप बस ये पता कर लीजिए कि इसको सेग्रीगेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दे देगा ढोल किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो आपको ढोल बोलिएगा ताल वाद्य है, ठीक है। और ताल वाद्य ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो अनवाद्य वाद्य रहेगा, क्योंकि ये उसमें चमड़े पे हम पीटते हैं। तो बस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान है, इसको आप स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि ये अनवाद्य क्या क्या लिखा हुआ, तंत्रु तंत्री, इससे पढ़ना उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एक बार दोबारा वीडियो दो तीन बार देख लीजिए, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो।